यहाँ पर आज हम लोग माननीय अनिल देशमुख सर के घर पर आए। सबसे पहले तो हमने उनका इस्तकबाल किया, क्योंकि काफ़ी लड़ झगड़ कर और बिल्कुल एक सिपा सालार के जैसे वो वापस आए। उन पे जो भी इल्ज़ाम थे वो सिद्ध नहीं हो सके, जिसकी वजह से कोर्ट ने उनको रिहा किया और हम उनसे मिलने आए कि जो उत्तर नागपुर और पूरे नागपुर शहर में जो भी काम पेंडिंग है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से हाजी सोहेल पटेल अशरफी के मार्गदर्शन में जितने भी लोग जुड़े हैं, तो सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने डेपुटेशन दी और जो काम रुके हुए हैं उनसे आग्रह किया कि आप अपने तरफ से भी कुछ एफर्ट लगाइए। और जो एक पंक्चुअलिटी होती है टाइम की, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं में नहीं है, तो उसके बारे में भी हमने कहा। और एक काम है हमारे, जैसे कुरैशी ब्रादरन का स्लॉटर हाउस का काम था, जो सिर्फ मतलब एक आखिरी उस पर आकर रुका हुआ है पॉल्यूशन विभाग के तरफ से, उसके बारे में भी हमने कहा कि सर आप थोड़ा सा अपने तरफ से पूछ कीजिए। तो सर ने हमें आश्वासन दिया और वो करते हैं काम, और उनका एक अच्छा नाम है जिसमें काम किया जाता है। बाकी यहाँ पर सभी लोग मौजूद थे, मुन्ना भाई हमारे, जफर भाई वगैरह, बाकी जब अपना सोहेल पशेल पटेल साहब वगैरह और भी सब लोग यहाँ मौजूद थे। एक अच्छी तादाद में लोग मौजूद थे, जिससे देखकर वो भी खुश हुए। और जो हाजी सोहेल पटेल का जो काम है वो उनको भी मालूम है, पहले से देखते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर आज के वक्तों में नागपुर शहर में हर किसी को मालूम है कि कैसा काम होता है और कैसा कराते हैं। जो हमने डेपुटेशन दिया, जो काम किया, जो सर से मिले, तो उम्मीद है कि वो काम आगे होगा।